बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम बीमारी पर जो बच्चों में अक्सर होती है, बड़ों में भी हो जाती है और तकरीबन बड़े और छोटे सब इससे मुतासिर होते हैं। बहुत तकलीफ़ देह बीमारी है जिसे हम GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ या एसिड रिफ्लक्स भी इसे कहते हैं, या दिल का जलना या मुंह को पानी आना। ये बड़ों में भी होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं जिसे हम इन्फेंट्स कहते हैं, बेबीज़ जो होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है बीमारी। और इन से जो माएँ होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं बच्चे को संभालने में और उस तकलीफ़ की वजह से। तो आइए आज हम एसिड रिफ्लेक्स, बेबी एसिड रिफ्लेक्स और बेबी GERD पे बात करते हैं। तो ये किस तरह होता है और क्या होता है, कुछ इसकी वजूहात और इलामात पे भी बात करते हैं और फिर इसका ज़बरदस्त WetDose होम्योपैथी के हवाले से इसके इलाज के मुतालिक बात करते हैं, जो एलोपैथी से 100% बेहतर और हर किस्म के मज़र असरात से बिल्कुल पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे जो मरीज़ हैं वर्ल्ड वाइड हम करते हैं, देखते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत 100% रिज़ल्ट उसका आ रहा है। तो आप भी ये इस्तेमाल करें और आप ख़ुद इंशाल्लाह ये मान लेंगी, जो माएँ हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, उनकी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, कि वो फिर यही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए एसिड रिफ्लक्स और GERD पे बात करते हैं। एसिड रिफ्लक्स, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि तेज़ाबियत, रिफ्लक्स वापस आना मुंह की तरफ, इसमें ये होता है। ये एक बात याद रखें कि एसिड रिफ्लक्स और GERD दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कभी कभार लोग इसको मिक्सअप करते हैं, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एसिड रिफ्लक्स में ये होता है कि जो इन्फेंट जो होता है, जो बेबी होती है, जो बच्चा होता है, जब वो फीड होता है, बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड, तो क्योंकि वो अभी उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पे वो डेवलप नहीं होते, तो इसका जो खुराक की जो इसकी जो खुराक की नाली होती है, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, इसके निचले सिरे पे जो होता है, जो जहाँ ये खुराक की नाली मुंह से शुरू होती है और मैदे के पेश ख़त्म होती है, यहाँ पे एक रिंग सा लगा होता है और इस रिंग को हम स्फिंक्टर कहते हैं, और इसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या LES कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं होता इन बेबीज़ में, इन बच्चों में। तो खुराक जब मुंह के ज़रिए जो फीड होता है बच्चा, तो जब नीचे जाता है तो ये बंद हो जाता है नॉर्मली। और इसमें ये होता है एसिड रिफ्लक्स में या GERD में कि वो बंद नहीं होता और वो वापस मुंह की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिससे उसको तकलीफ़ होती है। तो ये एक मुख्तसर फिनोमेना है। अब GERD जो होता है, GERD में, इसे बेबी GERD भी हम कह सकते हैं, इसमें तकलीफ़ शदीद होती है। एसिड रिफ्लेक्स के मुकाबले में GERD की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। एसिड रिफ्लेक्स चंद हफ़्तों के बच्चों में शुरू हो सकती है और तकरीबन साल डेढ़ साल तक का जो अरसा होता है बच्चे का, ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन GERD जो होती है वो साल डेढ़ साल के बाद भी देखने में आया है, डेढ़ साल और दो साल के बच्चे में भी। तो ये एक फ़र्क है। बाकी जो इलामत होती हैं तकरीबन वो सेम होती हैं, लेकिन शदीद हो सकती हैं GERD में, बेबी GERD में। तो ये तो एक फिनोमेना है कि ये क्यों होती है, और जिस तरह मैंने आपको स्फिंक्टर का कहा, उस रिंग का कहा, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे वो डेवलप नहीं होता प्रॉपरली, कि वो बच्चा होता है, तो उस वजह से ये तकलीफ़ होती है। इलामत इसमें ये होती हैं कि बच्चा जैसे ही वो फीड करता है तो दौरान फीड और या फीड के फ़ौरन बाद वो चीखने रोने लगता है
اور تکلیف ہوتی ہے اس کو، کیونکہ جو اس کی لائننگ جو ہوتی ہیں خوراک کی نالی کی، جب اس میں سے وہ جو اس کی خوراک ہے، جو فیڈ ہے، جو اس کی چاہے وہ باٹل فیڈ ہو یا بریسٹ فیڈ ہو، تو وہ اریٹیٹ کرتی ہے، خراش پیدا کرتی ہے خوراک کی نالی کے اندر کی جو لائننگ ہوتی ہے اس میں خراش پیدا کرتی ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ وومٹ کرتا ہے، تو اس میں وومٹنگ ہوتی ہے، بچہ جیسے ہی وہ دودھ پیتا ہے وہ باہر پھینکتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور ایک آرکنگ پوزیشن بناتا ہے، بالکل وہ پیچھے کی طرف وہ دھکیلتا ہے اور پاؤں جو ہوتے ہیں وہ اس کو نیچے کی طرف دباتے ہیں بچے جو، اور برپنگ سی ہوتی ہے اور ہکفز بھی ہو سکتی ہیں، مطلب ہے کہ منہ کی طرف جو اس نے دودھ پیا ہے وہ منہ کی طرف آتا ہے اور وہ کے کی شکل میں یا کے کی صورت میں وہ نکالتا ہے، اور اس میں کولک یا بچوں کو یا بیبیز کو درد بھی ہو سکتا ہے جسے ہم کولک کہتے ہیں، تو یہ چند علامات جو ہیں یہ بچے میں ہو سکتی ہیں، نیند نہ آنا بچے کو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے، بچہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتا اور تکلیف ہوتی ہے، تو یہ چند علامات آپ بچے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اپنے پیڈیاٹریشین کو یا جو بچوں کا ڈاکٹر جو ماہر ہوتا ہے اطفال کا، اس کی ڈائگنوسس یا تشخیص بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم نے تشخیص یہ بہت ضروری کرنی ہوتی ہے یا ڈیفرینشیل ڈائگنوسس ہم اس کو کہتے ہیں، کہ آیا کوئی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، جی آر ڈی تو نہیں ہے، ایسڈ ریفلیکس کے علاوہ جی آر ڈی یا شدید جو تکلیف ہے وہ تو نہیں ہے، یا جب یا کوئی مثانے کی یا پیشاب چھوٹے پیشاب کی کوئی تکلیف یا انفیکشن تو نہیں ہے، جسے ہم یو ٹی آئی کہتے ہیں، اکثر بچوں میں یو ٹی آئی ہوتی ہے، تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک بچوں کا جو ماہر ہوتا ہے یا اطفال کا جو ماہر ہوتا ہے جسے ہم پیڈیاٹریشین کہتے ہیں وہی اس کی ڈائگنوسس کر سکتا ہے، تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ وہ ممک ہو رہے ہیں، وہ علامات ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں چل رہا۔ ہائٹل ہرنیا ایک قسم کی ایک ہرنیا جو بچوں میں تو اکثر نہیں ہوتی، بڑی عمر میں ہوتی ہے، لیکن تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آیا کوئی ایسا کوئی ایسڈ ریفلیکس کے علاوہ جی آر ڈی تو نہیں ہے، جو شدید حالت ہے وہ تو نہیں ہے، یا یو ٹی آئی وغیرہ تو بچے کو نہیں ہے، مثانے میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، پیشاب کی کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، تو یہ پیڈیاٹریشین ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے یا اس کی تشخیص کر سکتا ہے، اور اکثر جو جی آر ڈی یا ایسڈ ریفلیکس میں جو ٹریٹمنٹ ہے ایلوپیتھی کے حوالے سے وہ تو اینٹاسیڈز ہی دیتے ہیں، زینٹیک اور یہ رینٹیڈین اور اس قسم ٹائپ کی جو میڈیسن ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور وہ میرے خیال نہیں دینے چاہیے۔ تو اب کازز اور علامات کے بعد مختصر آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں یا ویٹ ڈوز ہومیوپیتھی میں بہترین علاج ہے اس کا، اور آپ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اپنے بچوں پہ استعمال کریں گے تو ایک تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے، چاہے وہ کافی عرصہ استعمال کرے، اور دوسرا اس میں رزلٹ بہت بہترین آپ کو ملیں گے اور آپ انشاءاللہ اس سے سیٹسفائی ہوں گے۔ تو آئیے اب ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ویٹ ڈوز ہومیوپیتھی میں ہم کیا دیتے ہیں اور کون سی میڈیسن ہے۔ تو مختصر ایک میڈیسن ہے جس کا نام آپ نوٹ کر لیں، نیٹرم فاس کے نام سے ایک میڈیسن آتی ہے جو ہومیوپیتھک بایو کیمک میڈیسن ہے، یہ گولیوں کی شکل میں آپ کو ملیں گی 6X میں، آپ کوئی بھی اچھی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہومیوپیتھک کی، خاص کر فارن کی جو ہوں، جرمنی، فرانس کی، سوئٹزرلینڈ کی اور بہت ساری ملکوں کی آتی ہیں، وہاں سے اسی کمپنی کی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے، اور یہ زینٹیک سے اور رینٹیڈین سے اور اینی اینٹیسڈ جو آپ کی پیڈیاٹریشن آپ کے بچے کے لیے ایڈوائز کرتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ بہتر اور مفید اور ہر قسم کے مضر اثرات سے بالکل پاک اور صاف ہے، کوئی بچے کو نقصان نہیں دے گی، اور یہ بائیو کیمک میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی، اور یہ بہترین رزلٹ آپ کو انشاءاللہ دے گی اور آپ اس سے سیٹسفائی ہوں گے
और आपका बच्चा जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब होगा एसिड रिफ्लेक्स से या बेबी जीआरडी से। तो सबसे पहले तो आपने फिर डिटेशन से डायग्नोस करना है कि आया कोई यूटीआई का मसला नहीं है, मसाने की कोई तकलीफ़ नहीं है, पेशाब में कोई तकलीफ़ नहीं है, या छोटी या बड़ी आंतों को कोई मसला नहीं है। मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, मैं वो आपको तफसील से तो नहीं बता सकता, लेकिन एक जो पीडियाट्रिशियन होता है वो आसानी से डायग्नोस कर सकता है। अगर ये एसिड रिफ्लेक्स है और बेबी जीआरडी है तो आप नेटरन फास 6x जो टैबलेट्स हैं वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसका आसान तरीका ये है कि आप आधी गोली को लेकर आप उसको पाउडर बना के आप उसको एक चम्मच दूध में आप उसको आधी गोली आप फीड से पहले, चाहे वो बॉटल फीड हो या वो ब्रेस्ट फीड हो, आधी गोली आप फौरन फीड से पहले, जैसे आप फीड दे रहे हैं उससे एक 5 मिनट पहले आप, 2 मिनट पहले आप उसको आधी गोली जो है वो पाउडर बना के एक चम्मच दूध में दे दें, और जैसे ही आप फीड कर दें तो फौरन आप आधी गोली और दें फौरन। तो ये एक गोली हो गई जो आधी आपने फीड से पहले दी और आधी आपने फीड से बाद में दी, ठीक है जी। फिर आपने ये करना है कि बच्चे को आपने लिटाना नहीं है बल्कि उसको गोद में लेके उसकी जो कमर है उसको आप कोशिश करें बर्प उसको आए, उसको डिकार आए, उसकी कमर को आप मलें या हल्का हल्का उसको इस तरह करें ताकि उसको बर्पिंग हो, उसको डिकार आए और वो हज़म हो जो फीड उसने ली है, ठीक है जी। और इस तरह ये जो आधी आधी गोली जो है फीड से पहले और फीड के बाद ही आप 6 मरतबा दिन में 24 घंटों में दे सकते हैं, 6 गोलियां बन जाती हैं, 6 गोलियां बन जाती हैं और आधी आधी गोली करके तो ये 12 डोजेस बन जाते हैं। आपने 6 टेबलेट से 24 घंटों में से 24 घंटों में इससे ज़्यादा नहीं करने, आपने आधी गोली फीड से पहले और आधी गोली फौरन फीड के बाद देनी है और गोद में लेके उसकी कमर को आपने मलना है या हल्का हल्का सा आपने इसको ऐसे करना है ताकि वो उसकी बर्पिंग हो, डिकार आए और वो फीड उसकी हज़म हो। और ये आप 6 टेबलेट्स दे सकते हैं 24 घंटे में और इससे 12 डोजेस बनेंगे यानी आधी आधी गोली के हिसाब से। तो इंशाल्लाह इसके साथ जो उसकी जीआरडी है या जो एसिड रिफ्लेक्स है वो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो कवर हो जाएगा और उसको किसी किस्म की एलोपैथिक की एंटासिड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो माएँ हैं वो भी इसकी 2 से 4 गोली इस्तेमाल करेंगी अगर वो ब्रेस्ट फीड है बच्चा, तो अगर ब्रेस्ट फीड बच्चा है तो उसकी माँ को भी चाहिए कि आप भी 4 गोली फौरन खाने के बाद दिन में 3 मरतबा आप लें, और इससे ये होगा कि आपकी जो मिल्क है, जो दूध है जो बच्चे को आप पिला रही हैं उसमें भी उसके असरात बच्चे को भी जाएंगे। और आपको भी चाहिए कि आप ऐसी खुराक, अगर ब्रेस्ट फीड बच्चा है तो आपको चाहिए कि आप ऐसी ज़ुदाज़म खुराक लें जिसमें से ज़्यादा स्पाइसी ना हो, गोश्त का इस्तेमाल कम हो, मिर्चों का इस्तेमाल कम हो, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ये कम से कम लेनी चाहिए। और अगर बच्चा मतलब है कि किसी फार्मूला पर है, बॉटल फार्मूला पर है, तो वो भी अपने पीडियाट्रिशियन के साथ मशवरा करके उसको आप चेंज कर सकते हैं अगर उसको तकलीफ़ हो रही है। तो ये आपने नेटर फास 6x में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ये आपने इस्तेमाल करवानी है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, और ये इसके कोई बदअसरात नहीं है, आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ आप एक दो मेडिसिन मैं और बता रहा हूँ इनकेस कुछ बच्चों में नेटरन फास बहुत जल्दी काम करती हैं, कुछ बच्चों में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, और या कुछ बच्चे जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जो परमानेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करते उसके लिए हमारी एक और दो मेडिसिन है, वो भी आप नोट कर लें और मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 30 ताकत में होंगी, जो होम्योपैथिक की जो एक स्केल है जिसे हम 30 कहते हैं या 30 ताकत, उसमें एक मेडिसिन हमारी है नेक्स वोमिका 30, ये आप अपने पास रख लें लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट इन केस कि अगर वो मेडिसिन नेटरन फास रिस्पॉन्ड ना करे कुछ दिनों में, बल्कि कुछ दिन आप इंतज़ार करेंगे और उम्मीद है कुछ दिनों में आपका बच्चा सोने भी लगेगा और ख़ुराक लेने के बाद वो उल्टी भी नहीं करेगा
वर्किंग जो पोस्चर होती है बच्चे की वो भी नहीं करेगा, पॉम वगैरह मारना या चीखना रोना या नींद ना आना या उल्टी करना वगैरह वो भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे नेट्रोफास 6x तो आपने नेक्स्ट ओमी का 30 अपने पास रखनी है। और एक और मेडिसन है जिसे हम रोबीनिया सुडाकैक्सिया कहते हैं, और ये नाम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लें। उसको 6 ताकत या 30 ताकत में आपने वो भी अपने पास रख लेनी है। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड ना करे कुछ दिनों में नेट्रोफास 6x के साथ, और आप ख़ुद भी ले रही हैं 4 गोलियाँ 3 टाइम, बच्चे को भी आप जिस तरह मैंने आपको डोसेजेस बताए हैं और उससे बच्चे को तकलीफ़ में कमी नहीं हो रही कुछ दिनों के बाद, तो फिर आपने ये 2 मेडिसिन लेनी है। इसमें से आप पहले जो है नेक्स्ट वोमिका को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके 1 चम्मच में आप 1 या 2 कतरे आप डाल के आप दिन में 2 टाइम या 3 टाइम दे सकती हैं, और इससे भी बच्चे की जो GERD या एसिड रिफ्लक्स है उसमें इंतहाई कमी होगी। और अगर फिर नेक्स्ट वोमिका में भी आपको वो जो रिजल्ट्स हैं वो ना आए, और लेकिन आपने इंतज़ार करना होगा, बिल्कुल फ़ौरन आप रिज़ल्ट वो नहीं करेंगे, कुछ दिन 2-3 दिन में आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ आप फिर रोबीनिया जो है रोबीनिया सुडाकैक्सिया उसको 6 ताकत में या 30 ताकत में जो भी आपको मिले वो भी फिर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर आपने नक्स बंद कर देनी है और रोबीनिया सुडाकैक्सिया 6 ताकत में या 30 ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दूध 1 चम्मच दूध में आप इसके 2-3 कतरे आप डाल के आप दिन में 2-3 मरतबा या 4 मरतबा भी आप देख सकते हैं, जैसे ही उसकी कंडीशन के मुताबिक। इसके कोई बदअसरात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप ये दे सकती हैं, लेकिन आपने मुसलसल ये 2 मेडिसिन नहीं देनी। जैसे ही आपको पता चल अंदाज़ा हो कि बच्चे की जो कंडीशन है वो अभी स्टेबल हो रही है और उसकी एसिड रिफ्लेक्स में और GERD में कमी आ रही है, आपने ये मेडिसिन बंद कर देनी है। और नेट्रोफास 6x की जो टैबलेट्स हैं, आधी गोली फीट से पहले और आधी फीट के बाद 6 गोली पूरे 24 घंटों में वो आप जारी रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये इस्तेमाल करें और आपको कोई इंशाल्लाह एलोपैथिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को एंटासिड देने में। इसी मेडिसिन के साथ इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और कोई कमेंट्स कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज में मुझे अपने कमेंट्स या अपनी कोई भी बात हो हेल्थ के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और हफ्ता और इतवार के दिन इंशाल्लाह 12 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं लाइव भी हूँगा, तो आपसे लाइव भी चैट होगी, बात होगी, जो भी आपके हेल्थ के हवाले से मसाइल होंगे WetDose होम्योपैथी के हवाले से और फूड एज मेडिसिन के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस क्लिक करें, और ताकि आपको ये मुफीद और अच्छी और बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें, ताकि आपकी सेहत के हवाले से जो भी मसाइल हैं वो हल हों एक ऐसे इलाज के ज़रिए जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और साइंटिफिकली प्रूव है, और पूरी दुनिया के लोग आज होम्योपैथी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासकर WetDose होम्योपैथी जो साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक और साफ़ है, और फूड एज मेडिसिन जिस पर मैं इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियो बनाऊँगा, जो खुराक के ज़रिए जो इलाज है उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको उससे भी मुस्तफ़ीद करवाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।